अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ इस लोशन का रिव्यू शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलो जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास ड्रीम वाइट लोशन। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी पम्प पैकिंग है। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, फर्स्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब आपको रिव्यू देने के लिए ये मेरे पास सेकेंड बॉटल है। और ये कैसा लोशन है सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ, पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये आप देख लें। इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग वाइटनिंग सोल्यूशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है अ यूनिक ब्लेंड ऑफ 55 एडवांस अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग एजेंट। अब इसकी बैक पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, 55 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में है कोजिक एसिड और है ग्लूटाथायोन। कोजिक एसिड और ग्लूटाथायोन आपको पता है वाइटनिंग का काम करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं। और इसमें है नियासिनेमाइड। नियासिनेमाइड आपको पता है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। नियासिनेमाइड वाइटनिंग का काम करता है। और इसमें है अल्फा आर्ब्यूटिन। अल्फा आर्ब्यूटिन आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है, जैसे पिंपल्स वगैरह के मार्क्स होते हैं उसको भी फेड कर देगा और आपके कॉम्प्लेक्शन को एक जैसा करेगा। अनइवन स्किन टोन को बैलेंस करेगा, आपकी स्किन जैसे कहीं से ब्लैक हुई हुई है, ब्राउन हुई हुई है, इस तरह की स्किन को भी एक जैसा कर देता है। तो ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट है, ये आप देख सकते हैं 2025 तक है। नीचे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर अंडर अथॉरिटी ऑफ मैकले यूके, मतलब मैकले की प्रोडक्ट है, यूके में ये बनती है प्रोडक्ट। अब मैं आपको इस लोशन की प्राइस बता देती हूँ। ये मैंने दराज से लिया था, ये 100 ml इसका साइज़ है और इसकी प्राइस है 450। अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। मुझसे ये पंप ओपन नहीं हुआ था तो मैं आपको इसी तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ, ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म में नहीं है जिस तरह से लोशन होते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने लगा लिए। अभी ये आपको लग रहा होगा जैसे ये ऑयली है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ये देखें, मैं इसको थोड़ी देर लगाकर छोड़ूंगी। यहाँ पर ये मेरी स्किन के अंदर पूरा जज्ब हो गया, कोई इसकी ऑयली शाइन नहीं है, ग्रीसी टेक्सचर नहीं है, बिल्कुल मैट लुक दे रहा है ये। और सबसे अच्छी बात इस लोशन की ये है कि ये आपकी स्किन पर वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप इस लोशन को डे में यूज़ करें या फिर नाइट में यूज़ करें। तो जिस तरह से इसकी मैट फिनिश आती है, मैट लुक देता है ये, तो ये आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों के लिहाज से ये लोशन बहुत अच्छा है, आपके पसीने को भी कंट्रोल करेगा। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत अच्छी खुशबू है, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने ये सेकंड ऑर्डर क्यों किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है और इतना अच्छा आपको टेक्सचर दे देती है, आपकी स्किन को स्मूथ करती है, हाइड्रेट करती है और सबसे अच्छी बात आपको वाइटनिंग भी देती है। ये लोशन बहुत ज़्यादा वायरल था इसलिए मैंने इसको खुद ऑर्डर किया, इसको यूज़ किया और अब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसे यूज़ करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। अब बात कर लेते हैं कौन सी स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। तो ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी ये आपको सूट करेगा, क्योंकि अब समर्स है, समर में सबकी स्किन ऑयली होती है तो ये सबको सूट कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको वाइटनिंग देता है 2 डेज के अंदर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी देगा अगर 2 डेज में आपको रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 डेज में ये आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा, मतलब आपके टेक्सचर को स्मूथ करेगा। ऐसा ऐसा जब इसको आप यूज़ करते जाएंगे ये आपकी स्किन को, आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनाएगा ये। अब बात कर लेते हैं कौन सी एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। 15 एज से अबव सब इसको यूज़ कर सकते हैं, वो इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, टीनेजर्स के लिए भी सेफ है ये लोशन। इस लोशन को आप डेली यूज़ करें, जब आपको लगे आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो चुका है, आपकी स्किन ठीक हो गई है, तो फिर आप इसको छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपके कलर को डल नहीं करता, जब आप इसे लगाना छोड़ भी देंगे तब भी ये आपके कलर को डल नहीं करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी ही रखेगा। लेकिन फिर भी आप इसे यूज़ करते हैं, जब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद इसको यूज़ किया, मेरी फैमिली में भी यूज़ मैंने इसको करवाया, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, अभी तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला। तो आप भी इसको यूज़ करें, मुझे कमेंट्स में बताएं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।